बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, क्लास 3 सब्जेक्ट सोशल स्टडीज़, यूनिट नंबर 7 है, पेज 29 है, टॉपिक है टाइम और ये लेक्चर नंबर है 13। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। पेज नंबर 29 पे ये 13th लेक्चर है और आज हम इसकी रीडिंग कर रहे हैं। टाइम, वक्त। टाइम इज़ अ मेजर पीरियड ऑफ द डे, वीक, मंथ और ईयर। टाइम जो है उस पीरियड को कहते हैं जो एक पूरे दिन में होता है या एक वीक में होता है या मंथ में हो या ईयर में हो। टाइम इसी तरह से गुजरता रहता है। ये पिक्चर्स ही बनी हुई हैं यहाँ पे। ये कौन सा टाइम है, इसमें डॉन का टाइम दिया हुआ है, यहाँ पे मॉर्निंग दी हुई है, यहाँ पे नून दिया हुआ है। डिफरेंट टाइम्स आपको शो किए हुए बुक में, आप अपने देखें। द टाइम फ्रॉम सनराइज टू सनसेट इज कॉल्ड द डे। जो सूरज तुलू होने से लेकर सूरज गुरूब होने तक का जो टाइम होता है वो दिन कहलाता है, डे कहलाता है। अ डे कंसिस्ट ऑफ 24 आवर्स। पूरे एक दिन में जो है 24 आवर्स होते हैं, 24 आवर्स का एक दिन होता है। फ्रॉम 1 midnight टू द नेक्स्ट midnight, एक यानी रात 1 बजे से लेकर अगले रात 1 बजे तक, पूरा ये एक दिन का टाइम होता है। डॉन, आवर डे बिगिन एट डॉन व्हेन द सन राइजेस। हमारा दिन जो है उस वक्त शुरू होता है जब सूरज जो है वो निकलना शुरू होता है। मॉर्निंग, द फर्स्ट पार्ट ऑफ द डे आफ्टर सनराइज टिल 12 noon। जो पहला हिस्सा होता है सुबह सूरज निकलने से सनराइज निकलने के बाद से 12 बजे तक का, उसको हम मॉर्निंग कहते हैं। मॉर्निंग, मिड डे, मिड डे इज़ द मिडल ऑफ द डे एट नून और 12 o'clock। जो 12 बजे का टाइम होता है या 12 बजे के बाद का थोड़ा टाइम होता है वो मिड डे कहलाता है। आफ्टरनून, द टाइम आफ्टर मिड डे एंड बिफोर सनसेट। जो मिड डे के बाद का टाइम होता है और सूरज गुरूब होने से पहले का टाइम होता है उसको हम आफ्टरनून कहते हैं। इवनिंग, द अर्ली पार्ट ऑफ द नाइट बिगिनिंग बिफोर सनसेट अप टू अर्ली नाइट। जो सूरज गुरूब होने के बाद से लेके रात के पहले हिस्से तक का टाइम जो होता है वो होता है इवनिंग, यानी कि जिसको हम शाम कहते हैं। इवनिंग शाम होती है। एंड नाइट द एंड ऑफ द डे व्हेन इट गेट्स कम्प्लीटली डार्क। नाइट इज़ द टाइम आफ्टर सनसेट एंड बिफोर सनराइज। बिल्कुल जो आखिरी पहर होता है जब दिन ख़त्म हो जाता है और हर तरफ अंधेरा छा जाता है वो रात कहलाती है। ठीक है, यहाँ पे भी इन्होंने आफ्टरनून की एक पिक्चर दी हुई है, फिर इन्होंने इवनिंग की एक पिक्चर दी हुई है, सारे टाइम शो किए हुए हैं और यहाँ नाइट की भी पिक्चर दी हुई है। ये पूरा दिन जो है हमारा वो इन सारे उससे होके गुजरता है। जो 24 आवर्स का दिन होता है जो एक जो है रात 1 बजे से शुरू होके अगले दिन रात तक चलता है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पेज पे जाते हैं, पेज नंबर 30 पे। पेज नंबर 30 पे है टाइम इन टर्म्स ऑफ आवर्स इज़। अभी टाइम बता रहे हैं कि टाइम जो है वो किस तरीके से डिवाइड हुआ हुआ है। वन डे 24 आवर्स, एक दिन जो है वो 24 आवर्स का होता है। वन आवर इज़ इक्वल टू 60 मिनट्स, जो एक आवर होता है वो 60 मिनट्स का होता है। इसी तरह 1 minute इज़ इक्वल टू 60 seconds, और जो 1 minute होता है उसमें 60 seconds होते हैं। ये चीज़ें याद करने की हैं, इसको आप याद कर लीजिएगा। वन डे 24 आवर्स, वन आवर 60 मिनट्स एंड 1 minute इज इक्वल टू 60 seconds। ये आप लोग अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। डेज ऑफ अ वीक, देयर आर 7 days इन 1 week। एक वीक में 7 days होते हैं, ये सबको पता है कि 7 days का एक वीक होता है। ईच डे हैज़ अ नेम, हर दिन का एक नाम होता है। मंडे, ट्यूसडे, वेनसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, ये पूरा एक वीक होता है जिसमें 7 days होते हैं और इससे ये हमारा एक वीक बनता है।
देयर आर 52 वीक्स और 365 डेज पर ईयर. एक साल के अंदर 52 वीक्स होते हैं और 365 डेज होते हैं एक साल के अंदर, ठीक है. द 12 मंथ्स आर, अब मंथ्स 12 होते हैं, एक साल में मंथ्स 12 होते हैं. इसमें भी इन्होंने इसको दिया हुआ है जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर. ये भी आप मंथ ऑफ नेम जो है ये भी याद कर लें, डेज के नेम भी याद कर लें. आगे है इसमें अ कैलेंडर शो द मंथ ऑफ द ईयर एंड द डेज ऑफ द वीक. जो कैलेंडर्स होते हैं वो मंथ भी शो कर लेते हैं और वीक्स भी, डेज और वीक्स भी होते हैं. अगर आप कैलेंडर देखते हैं तो देखें, इस कैलेंडर में दिन भी लिखे हुए होते हैं सारे और आपको पता चल जाता है कि कितने वीक्स आ रहे हैं एक महीने में.